पेंडेमिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लगभग सारी ऑफलाइन कोचिंग खुल चुकी हैं, और एक कंफ्यूजन इस वक्त लगभग हर बच्चे को है जो बच्चा जेईई या नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है कि सर हम ऑनलाइन में पढ़ें या ऑफलाइन जाके पढ़ाई करें। और कंफ्यूजन को और बढ़ाने के लिए लगभग हर एक ऑफलाइन कोचिंग का इस वक्त ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं, और जो ऑनलाइन कोचिंग्स थी लगभग उनके ऑफलाइन सेंटर्स भी आ चुके हैं। जैसे अनअकैडमी का रिसेंटली एक ऑफलाइन सेंटर खुला है कोटा में, एंड दे हैव ऑलमोस्ट ऑल द टॉप फैकल्टीज ऑफ कोटा देयर। तो इस समय कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाता है यार, जो बच्चे अनअकैडमी से पढ़ना चाहते हैं कि यार हम अनअकैडमी के ऑनलाइन में पढ़ें या ऑफलाइन में पढ़ें, या फिर जिस भी की और किसी भी और कोचिंग में पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन ज्यादा सही रहेगा ऑफलाइन ज्यादा सही रहेगा। तो उसको डिस्कस करते हैं क्विकली, है ना, कुछ फैक्टर्स है जिसके बेसिस पे तुम डिसाइड कर सकते हो, है ना, और हर एक बच्चे के लिए आंसर अलग अलग होगा क्योंकि हर एक बच्चे का पढ़ने का तरीका है, दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान है, कुछ चीजें दोनों में कॉमन है, कुछ चीजों में दोनों बहुत अलग है। देखो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो मैं ऑनलाइन खुद उन बच्चों को रिकमेंड नहीं करता जो बच्चे बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है। मतलब अगर तुम लेट्स से, है ना, मेरी लाइव क्लास कर रहे हो या किसी और टीचर की क्लास कर रहे हो या फिर तुम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो या किसी भी वे में रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, और तुम उसको बंद करके तुम मूवी देखने चले जाओ, टीवी शो देखने चले जाओ, तो फिर पूरा पर्पस ही फॉरफिट हो जाता है। तो एक सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है, क्योंकि मोबाइल एक बहुत पावरफुल डिवाइस है पर उतना ही डिस्ट्रैक्टिंग डिवाइस भी है। तो अगर तुम्हें खुद पे सेल्फ कंट्रोल नहीं है, लाइक कि तुम्हें अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन बंद रखने चाहिए, डिस्ट्रैक्टिंग एप्स को अनइंस्टॉल ही कर देना चाहिए, कंट्रोल नहीं अनस्टॉल कर देना चाहिए, अगर इतना सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है तो फिर ऑनलाइन में ये हो सकता है कि तुम पढ़ाई ही ना कर पाओ, तुम बार बार डिस्ट्रैक्ट हो, तुम यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखने लगो, है ना। पर जो बच्चे हर रोज 10-12 आवर फोकस कर सकते हैं पढ़ाई पे, उनका डिस्ट्रैक्शन पे कंट्रोल है, तो उनके लिए ऑनलाइन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है ना, ठीक है। पर खैर अपन एक एक करके पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं, और क्या पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे तुम डिसाइड कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले ट्रैवल टाइम की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑनलाइन जीता है ना, मतलब क्योंकि तुम्हारा कोई भी आने जाने का समय बर्बाद नहीं होता, जो अपने आप में एक बड़ा फैक्टर होता है ना, क्योंकि वरना तुम आधे घंटे जाते हो आते हो थक जाते हो ना, पर ठीक है। टोटल नंबर ऑफ रैंक्स ऑफ ओर की बात करें भाई, रैंक्स बड़ा होता है, रैंक्स और सिलेक्शन की बात करें तो आज तक कितने रैंक्स और सिलेक्शन हुए, तो उसमें तो ऑफकोर्स ऑफलाइन कोचिंग बहुत ज़्यादा आ गए, है ना, इतने सालों से वही थी, वो दैट वॉज द ओनली वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, है ना, हम भी वही पढ़ा रहे थे आज से 3 साल पहले, सारे टीचर वहीं थे ना। पर रिसेंट ईयर्स में जो ऑनलाइन आया है ना, और जो लाइव क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया है, उसने भी बहुत अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करें। जैसे अगर मैं अनअकैडमी की बात करूं तो 2021 में जेईई मेन के AIR 1 अनअकैडमी से था। अगर मैं 2022 के रिजल्ट की बात करूं, अगर तुम अनअकैडमी का रिजल्ट जेईई में देखो तो कितने शानदार है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट है, सेकंड अटेम्प्ट का भी बहुत जल्दी आएगा, है ना। तो अराउंड 1200 से ज्यादा स्टूडेंट्स के 99%+ आए, और कई स्टूडेंट्स के 99.9% से ज्यादा है। अगर मैं नीट की बात करूं तो नीट 2022 का एग्जाम हो गया है, है ना, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका भी बहुत शानदार है। अगर तुमने वो वीडियोस देखे हो जो जिनमें हमने डिस्कशन करा हुआ है, तुम्हें पता होगा ना, कुछ स्टूडेंट्स 180 आउट ऑफ 180 लेके आ रहे हैं फिजिक्स में, कई स्टूडेंट्स 170 प्लस और 160 प्लस वाले कई, है ना, सम स्टूडेंट्स हु आर स्कोरिंग अराउंड 700, है ना, उसका रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी आएगा। तो देखा जाए तो यार ऑनलाइन भी उसमें पूरा बिल्कुल, है ना, बराबरी दे रहा है, और इस साल के रिजल्ट में अनअकैडमी का रिजल्ट, है ना, पूरे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट होगा। अगर मैं पर्सनल अटेंशन की बात करूँ यार, तो यहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग कहीं ना कहीं जीत जाती है, पर ये भी थोड़ा सा वेरिएबल्स है ना, क्योंकि यार किस ऑफलाइन कोचिंग में तुम, अगर तुम जैसे दिल्ली की कोचिंग्स में, या फिर कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे ऑफलाइन कोचिंग्स में एक क्लास में लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं लाइक 40-50, तो वहाँ पे पर्सनल अटेंशन अच्छा मिल जाता है ना। पर अगर कोटा के ऑफलाइन कोचिंग्स में वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स, जैसे 200-300-400, है ना, तो वो एक फैक्टर होता है ना। अगर मैं ऑनलाइन की बात करूँ तो कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, ऑल दो उनकी प्राइस भी कम होती है, वो अपने आप में एक बेनिफिट होता है, लाइक 5,000-6,000-10,000, तो वहाँ पे टीचर्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते ना, ठीक है। अनअकैडमी में भी कुछ क्लासेस में लाइक 500-600 बच्चे होते हैं, कुछ क्लासेस में 50-60 होते हैं, वेरी वेल है, इट इज़ वेरी वेल, है ना, है ना। तो ये है, तो अगर तुम्हारी ऑफलाइन कोचिंग में कम स्टूडेंट्स हैं तो वो पर्सनल अटेंशन अपने आप में एक फायदा हो जाता है, पर वो वेरी वेल है, हर एक ऑफलाइन है, ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। जैसे ऑनलाइन में अनअकैडमी का जैसे आइकॉनिक फीचर है ना, तो उसमें तुम्हें मेंटोर्स के साथ तुम अपने सेशन बुक कर सकते हो, है ना, उनके साथ वन ऑन वन डिस्कस कर सकते हो सब्जेक्ट रिलेटेड या क्वेरी रिलेटेड, या फिर जैसा मेरा खुद का फिजिक्सहोलिक्स का प्रायोरिटी ग्रुप है ना, जो बच्चे मेरे थ्रू अनअकैडमी पे आते हैं तो उनकी पूरी प्रिपरेशन मेरे पर्सनल गाइडेंस में होती है ना, ये ग्रुप बना रखा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हर रोज हम 16 घंटे डाउट करते हैं, मेरे साथ बहुत सारे टीचर्स जुड़े हुए हैं फिजिक्सहोलिक्स में, तो सुबह 8 बजे से डाउट चालू करते हैं और रात के 12:30 बजे तक हम लोग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस गैप को हम यहाँ पर भी फिल कर रहे हैं ना, जैसे बच्चों की ऐसा ना रहे कि वो टीचर से डिस्कनेक्ट हो गए ना, उनकी पूरी प्रिपरेशन हमारे गाइडेंस में होनी चाहिए। तो जो बच्चे फिजिक्स लाइव प्रोड्यूसर के आते हैं, विच इज माय रेफरल कोड, उनकी पूरी प्रिपरेशन मेरे पर्सनल गाइडेंस में होती है, ठीक है। इसमें हम लोग 16 आवर्स डाउट करें इंक्लूडिंग संडेज एंड हॉलीडेज यार, है ना, मतलब क्योंकि संडे और हॉलीडे को भी बहुत सारे डाउट आते हैं ना, संडे को भी तुम तो पढ़ाई करते हो ना, त्यौहार होते हैं तुम तो तब भी पढ़ाई कर रहे होते हो, और उस वक्त तो क्लासेस भी नहीं होती, तो तब तुम्हारे डाउट आएंगे तो कैसे क्लेरिफाई होंगे, तो वो सारी चीज़ें कर रखी हमने ना, ठीक है। और सारे के सारे डाउट्स
वो हैं, वो टीचर ले रहे हैं जो इंडिया की टॉप कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं, जो टॉप 5 कोचिंग तुम सोच सकते हो ना, वो टीचर्स हमारे साथ जुड़े हैं ना। यहाँ तक कि ऑडियो कॉल के सेशंस भी होते हैं, मेंटरशिप एंड पर्सनल गाइडेंस सेशन, कि तुम्हें कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, कुछ भी तुम्हें कन्फ्यूजन लग रहा है कि सर मैं ये बुक करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ, कौन सा मटेरियल पहले करूँ, मेरा ये छूट गया है या फिर मेरे एग्जाम में नंबर नहीं आ रहा है, तो टीचर्स के साथ कॉल करके डिस्कस कर सकते हो। इनमें से कई सेशन मैं खुद भी लेने वाला हूँ और ये सेशन भी हर रोज होकर तुम्हारे ना, ताकि वो जो गाइडेंस वाला है वो गैप ना रह जाए, है ना। ठीक है, तो उसमें भी भाई बहुत सारी चीज़ों से हम फिल कर रहे हैं ना। अगर मैं बेस्ट फैकल्टी से बात करूँ तो इसमें ऑनलाइन बहुत ज़्यादा आ गया है ना, ऑफलाइन में भी तुम्हें अच्छे टीचर तब मिलते हैं, वो बहुत रेयर होता है। इसलिए होता है कि अगर तुम इंडिया की जो नेशनल कोचिंग से जो टॉप कोचिंग से उनके अगर तुम टॉप बैच में पढ़ रहे हो तो तुम्हें बहुत अच्छे टीचर मिल जाते हैं, पर अगर तुम वहाँ पे नहीं हो, तुम टॉपर बैच में नहीं हो, तुम एक एवरेज बैच में हो, तो वहाँ पे तुम्हें फ्रेशर टीचर पढ़ा रहे होते हैं, बहुत एवरेज टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं ना। हो जाता है कई बार कि दो सब्जेक्ट में अच्छे टीचर मिल गए, तीसरे में नहीं मिल पाए, तो वो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, वो सब्जेक्ट हमारा बेकार रह जाता है। ऑनलाइन में ये बहुत अच्छी चीज़ है ना, है ना। स्पेशली अनअकैडमी की बात करें तो अनअकैडमी के पास जो कोटा के सबसे अच्छे टीचर्स हैं जेईई नीट के, वो सारे के सारे टीचर्स तुम्हें अनअकैडमी पे मिल रहे हैं ना। ठीक है, और इसके साथ साथ अनअकैडमी तुम्हें एक चॉइस भी देता है टीचर्स की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा फीचर है। यहाँ पे तुम खुद डिसाइड कर सकते हो तुम्हें किससे पढ़ना है, जैसे तुम्हारा मन है तुम्हें फिजिक्स मुझसे पढ़ना है तो मुझसे पढ़ सकते हो, इसके अलावा भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तुम उनसे भी पढ़ सकते हो, मतलब इट इज़ योर चॉइस। हर सब्जेक्ट में तुम्हारे पास 30-40 टीचर्स का ऑप्शन होता है और तुम खुद डिसाइड कर सकते हो तुम्हें किससे पढ़ना है। मतलब जब तुम अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म तुम्हारे लिए अनलॉक हो जाता है ना, तुम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो तुम्हें किस चीज़ों से पढ़ना है, किसी भी बैच में पढ़ सकते हो ना। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो इसमें भी ऑनलाइन कोचिंग्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं ना। ठीक है, जैसे ऑफलाइन की फीस की बात करूँ, अगर तुम कोटा या दिल्ली जाते हो तो अराउंड 3 लाख के अराउंड खर्चा होता है ना, 1 लाख रुपये के अराउंड तुम्हारी फी होती है, उसके बाद तुम्हारा बहुत सारा जो रेंट होता है और जो तुम्हारा मैस वगैरह उसका खाना बहुत आता है, रेंट सर स्पेशली वेरी हाई है ना। मतलब ऑफलाइन में जितनी फीस में एक बच्चा पढ़ता है, ऑनलाइन में लगभग 10 बच्चे पढ़ सकते हैं। जैसे अनअकैडमी की 1 ईयर की फी अराउंड 30,000 होती है, कुछ कोचिंग्स की 4,000-5,000 भी, कुछ ऐसे छोटे छोटे कोर्सेज हैं, है ना। ठीक है, तो अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा है ऑनलाइन में। ठीक है, मोबाइल फोन डिस्ट्रक्शन की बात करूँ तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि इसको मैंने फिर से यहाँ पे मतलब डाल के बता रहा हूँ तुम्हें। अगर तुम मोबाइल फोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो ना, तो यार ऑनलाइन इज़ नॉट द राइट थिंग फॉर यू ना, उसमें उस केस में तुम्हें ऑफलाइन में ही जाना चाहिए ना, है ना। एटलीस्ट तुम बताए जितने टाइम क्लास करो उस टाइम, तो उतने टाइम तुम डिस्ट्रेक्शन से बचोगे, पर ये अपने आप में एक सेल्फ डिसिप्लिन वाली बात है ना, क्योंकि जो बच्चे ऑफलाइन में भी पढ़ रहे होते हैं, जो इजीली डिस्ट्रेक्टेड होते हैं, वो घर पे भी जाके दिन भर मोबाइल फोन चला रहे होते, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हैं, मूवीज़ देख रहे होते हैं, है ना। कोटा में पुराने जमाने में साइबर कैफे में बैठ के मूवीज़ देख रहे होते थे, तो यार वो डिसिप्लिन तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए ना। ठीक है, तो इस चीज़ में भाई फिर ऑफलाइन बेटर है, अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेक्शन होता है, पर कहीं ना कहीं तुम्हें सेल्फ डिसिप्लिन तो भाई देखो डेवलप करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, अगर इंटरनेट अवेलेबिलिटी की बात करें तो यार ऑब्वियसली फिर ऑफलाइन ही बेटर है, अगर तुम्हारे गांव में इंटरनेट नहीं है, है ना, क्योंकि फिर तो कर ही नहीं सकते, ऑब्वियसली बात है। पर इस चीज़ में भी अच्छी बात है कि अब छोटे छोटे गांव में इंटरनेट जा रहा है ना। ठीक है, पर ऑफलाइन में भी देखा जाए तो अगर तुम्हारे इतने छोटे गाँव से, तो वहाँ पर तुम्हें कोचिंग नहीं मिलेगी, तुम्हें बाहर तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, बैकअप क्लासेस रिकॉर्डेड की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है ऑनलाइन कोचिंग में तुम्हारे लिए ना, कि तुम्हारा कभी भी कोई लेक्चर छूट गया तो तुम्हें रिकॉर्डिंग मिल जाती है, किसी भी कारण से ना, कुछ जरूरी काम से मिस कर दिया, बीमार पड़ गए, या फिर कभी कभी क्लास में कुछ पर्टिकुलर पार्ट तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें लगा कि तुम इसे फिर से देखना चाहते हो, है ना, या फिर कुछ चीज़ें होते हैं, कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट तुम्हें धीरे समझ में आते हैं बाकी से, तो ऑनलाइन में बहुत बड़ा फायदा है कि तुम बाद में जाकर उन क्लासेस की रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ऑफलाइन में मिस हो जाते हो। ये अपने आप में एक बहुत रिवोल्यूशनरी चीज़ है ना, इससे प्रिपरेशन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि हम सबके कुछ सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ सब्जेक्ट वीक होते हैं, है ना। कुछ चीज़ें हमको बहुत जल्दी समझ में आती है, जैसे फिजिक्स मुझे बहुत जल्दी समझ में आती थी, पर केमिस्ट्री में मुझे चाहिए था कि मैं आराम से पढ़ूँ, तो हर बच्चे का अपना अलग अलग होता है ना। ठीक है, डाउट्स की बात करें, है ना, तो इसमें जो अच्छी ऑफलाइन कोचिंग से वो बहुत सारे डाउट फैकल्टीज प्रोवाइड करती है ना, पर ऑनलाइन कोचिंग्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आगे निकल गए हैं। जैसे अनअकैडमी का आस्क डाउट फीचर है, जो विच इज़ फ्री फॉर एवरीवन, है ना, तुम कोई भी क्वेश्चन डालोगे तो तुम्हें 1 सेकंड में उसका डाउट मिल जाएगा, डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन मैंने मिलते हैं, बहुत हाई क्वालिटी के। ठीक है, इसी के साथ जैसे मेरा फिजिक्स वाले का प्रायोरिटी ग्रुप, इसकी सबसे खास बात यह है इस प्रायोरिटी ग्रुप की, है ना, कि यहाँ पे तुम अपने सॉल्यूशन पोस्ट करके तुम टीचर से ये पूछ सकते हो, जैसे तुमने फिजिक्स का कोई डाउट डाला कि टीचर से ये पूछ सकते हो, सर मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ क्वेश्चन को, है ना, मैं कौन सा गलत कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ, मैं अपना मिसकॉन्सेप्शन कैसे सही कर सकता हूँ। क्योंकि फिजिक्स में हमारा पर्पस ये नहीं होता कि हम दूसरे का सॉल्यूशन देके गले, हमारा पर्पस होता है यार वी कैन कम अप विद आर ओन सॉल्यूशन, और अगर हम अपने सॉल्यूशन में कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें उसमें करेक्शन करना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर दिस इज द ओनली वे ऑफ लर्निंग फिजिक्स, दिस इज हाउ आई डिड इट, तो मैं खुद के सॉल्यूशन क्रिएट करना आना चाहिए ना। और कभी टीचर कुछ सॉल्यूशन बता रहा है, अगर तुम उसमें कुछ समझ में नहीं आता तुम क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो। तो सुबह 8 से रात के 12:30 बजे तक डाउट चलते हैं हर रोज 16 आवर्स। जब मेरी क्लास है उस समय तो मैं ही क्लियर कर दूंगा, पर जब क्लास नहीं है उस समय भी अगर तुम्हारा डाउट आ रहा है, तुम सुबह पढ़ रहे हो या रात में पढ़ रहे हो, तुम्हारे डाउट क्लियरिफाई हो जाएंगे। ठीक है, इस ग्रुप में उनमें लोगों को एंट्री मिलती है जो फिजिक्स लाइव कोड यूज करके 1 ईयर उससे ज्यादा का न्यू सब्सक्रिप्शन लेते हैं। बाय द वे मैं बता देता हूँ, जो बच्चे डिसाइड करते हैं कि उनको ऑनलाइन आके मुझसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, मेरी टीम से पढ़ना चाहते हैं, तो नीट 2023 के जो बच्चे हैं उनका नया बैच 29 जुलाई से आ रहा है, है ना, सारे कोटा के टॉप टीचर्स मिल रहे हैं ना। ठीक है, बाकी जो बच्चे इस बैच के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना। और जेईई के बच्चों का ऑलरेडी एंकर बैच आ चुका है ना,
ये भी ड्रॉपर्स के लिए जेई 2023, ये 21 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा एक और नया बैच आ रहा है 2 अगस्त से, है ना। जो बच्चे इस वीडियो को फ्यूचर में देख रहे हैं उनको न्यू बैचेस के बारे में पता करना है 11, 12 ड्रॉपर, तो मुझे इस व्हाट्सएप पे सीधा मैसेज कर सकते हो, नहीं तो मेरे टेलीग्राम लिंक की टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, उस पर तुम्हें सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और ये दो नंबर मेरे मैनेजर्स के हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। कोई भी बच्चा जो नीट या जेई की प्रिपरेशन कर रहा हो, तुम्हें अगर मेरे बैचेस के बारे में पता करना है, कुछ भी उसके बारे में पता करना है, पेरेंट्स की कोई क्वेरीज है, तो इस पर कॉल करके क्लेरिफाई कर सकते हो, नहीं तो अल्टरनेटिवली सीधे मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो ना, कोई क्वेरी है तो ऑडियो नोट पर भी भेज सकते हो, ठीक है। इसके साथ बात करें यार, है ना, क्विजेस और टेस्ट सीरीज की बात करें तो कहीं ना कहीं यार इसमें अभी भी लोगों का भरोसा ऑफलाइन पे ज़्यादा है। इसमें भी थोड़ा एग्जाम डिपेंडेंसी चीज है, जैसे नीट एग्जाम अभी भी ऑफलाइन है तो सभी ऑफलाइन की टेस्ट सीरीज ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पर जैसे जेई एग्जाम ऑनलाइन हो गया है तो इसमें ऑनलाइन की टेस्ट सीरीज तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेटर हो गई ना, है ना, कंप्लीटली। रिवीजन की बात करें तो ये अगला फैक्टर है कि ऑफलाइन में जनरली रिवीजन नहीं होते सिलेबस होने के बाद, है ना, या फिर कुछ कुछ जगह होता भी है जो उतना इफेक्टिव नहीं होता। ऑनलाइन में तुम्हारे पास चॉइस होती है, तुम अपने पसंद के टीचर से पढ़ सकते हो, है ना, अलग अलग तरह से रिवीजन चल रहा होता है, कई जगह थ्योरी चल रहा होता है, कई जगह मिक्स चल रहा होता है, कई जगह से न्यूमेरिकल सीरीज चल रही होती है, तो तुम्हारा जो वीक पार्ट है तुम उस हिसाब से कर सकते हो ना। जैसे कि मैंने कहा कि अनअकैडमी पे तुम्हें 100% एक्सेस होता है, तो तुम अपने अकॉर्डिंगली कोर्सेज चूज कर सकते हो, किस टीचर के कौन सा कोर्स में करना है, क्या करना है, तुम डिसाइड कर सकते हो ना, 100% एक्सेस होता है प्लेटफॉर्म का। आई थिंक इन पॉइंट से, है ना, तुम्हें एक अच्छी खासी हेल्प मिली होगी जिसके बेसिस पे तुम डिसाइड कर सकते हो तुम किस तुम्हारे लिए कौन से पॉइंट्स ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस बेसिस पे तुम डिसीजन ले सकते हो। बाकी इन द एंड में अगेन यही कहूंगा, अगर तुम बहुत ज्यादा इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तुम्हें फोन एडिक्शन है कि तुम भाई दिन भर मूवी देखते रहते हो, लेक्चर बंद करके कर लेते हो, तो ऑफलाइन ज्यादा बेटर है, है ना। पर अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन हो, तुम्हारे अंदर यह है कि सर कुछ भी हो जाए मैं 10 से 12, 14 घंटे हर रोज पढ़ाई कर लूंगा और मैं लेक्चर मिस करके ये सब चीजें नहीं करूंगा, तो अगर तुम खुद से मोटिवेटेड हो, खुद से डिसिप्लिन हो, तुम्हारे अंदर वो आग है नीट और जेई निकालने के लिए, तो यार फिर ऑनलाइन से बेटर तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है तुम्हें बेस्ट टीचर्स मिल जाते हैं ना, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव बहुत होता है, अपने घर पे रहकर पढ़ाई कर सकते हो ना, बहुत सारी चीज़ों में फायदेमंद है, बहुत सारी। दिस इज द न्यू वे ऑफ लर्निंग, दिस इज द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अपने घर पे रह सकते हो, दूसरे शहर में जाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरे शहर में जाने की अपनी अलग कई दिक्कतें होती है ना, होम सिक फील करना, अच्छा खाना ना मिलना, फिर गलत संगति में पड़ गए, कई और तरह की दिक्कतें होती है ना। तो अगर तुम सेल्फ डिसिप्लिन हो तो फिर ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है ना। बाकी कई बच्चे ऐसा भी करते हैं, जैसे मेरी क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कोटा में ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं ना, पर उनको फिजिक्स में एक्चुअली बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फिजिक्स में उतने अच्छे टीचर नहीं मिल पाते, तो वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होते हैं। बट अगेन वो तुम्हारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा ना, वो हर एक नहीं कर सकता, पर ये अपने आप में एक ऑप्शन होता है ना कि तुम दोनों का मिक्स करके भी पढ़ सकते हो ना। कई बच्चे होते हैं जैसे उनको केमिस्ट्री में 3 केमिस्ट्री होती है ना, कि लेट से ऑर्गेनिक में अच्छे टीचर मिल गए, इनऑर्गेनिक में नहीं मिले, या फिजिकल में नहीं मिले, है ना, तो वो सब्जेक्ट वीक होने से तुम बच जाते हो, ऑनलाइन का तुम उतना पार्ट ऑनलाइन में कर सकते हो ना उस पार्ट को आके, तो अपने आप में एज ए एड ऑन भी बहुत अच्छा फीचर होता है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, है ना। इसके बाद कोई क्वेरी है तो यार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकती है, व्हाट्सएप नंबर है। बाकी अनअकैडमी पे मैं बहुत सारे आस्क मी एनीथिंग सेशन लेता हूँ, जहाँ पे तुम आके मुझसे ऑडियो कॉल पे बात कर सकते हो, विच आर कम्प्लीटली फ्री फॉर एवरीवन, है ना। तो तुम मुझे अनअकैडमी पे जाकर फॉलो कर सकते हो, यू विल फाइंड मी ऑन द टॉप, है ना। बाकी मेरी लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अनअकैडमी प्रोफाइल की। चलो बाय बाय गाइस, आई होप तुम्हें इससे हेल्प मिली होगी, कोई और क्वेरी हो तो व्हाट्सएप पे भेजना। बाय बाय गाइस, सी यू।